हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है जेएसएससी जेई वालों के लिए। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों पहले बताए थे, जैसा डर था वही हुआ कुछ लोगों छात्रों के साथ, ठीक है। जो दोस्तों आपको पता होगा कि 4-5 दिन पहले जेएसएससी ने नोटिस निकाला था कि 28 तारीख जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसका एग्ज़ाम फिर से रिशेड्यूल किया गया था 18 तारीख को, ठीक है। ये बात पहला पॉइंट था। दूसरा नोटिस क्या था कि जिनका एग्ज़ाम 19 और 20 तारीख को सीवा इन्फोटेक में एग्जाम होने वाला है उसको सेंटर रद्द कर दिया गया और उसका सेंटर दूसरी जगह मिलेगा, उसको फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ये नोटिस हम बताए थे आपको, और जितना वीडियो उस दिन से हम डाल रहे हैं दोस्तों, हर वीडियो में ये बात हम बोलते आ रहे हैं कि आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं क्या अपने आप को तेज तरह समझते हैं, ठीक है। नहीं, हम हैं भाई, हम तो देख ही लेंगे, हम तो कर ही लेंगे। हो गया उन लोग साथ बेड़ा गर्क हो गया। कैसे 20-25 से ज़्यादा लोग थे, ठीक है। उन लोग वही हुआ, सेंटर पहुंच गया भाई सिवा इन्फोटेक में और उन लोग एग्जाम छूट गया। लेट पहुंचा था क्योंकि वहां पहुंच गया, वहां बताया गया कि आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो गया, तो जब तक टुप्पू दाना और सिल्वर टाटी पता नहीं कौन कौन जगह सेंटर पचा क्या कर सेंटर लिखा है। एक मिनट, हम बताते हैं, मोबाइल में मेरा व्हाट्सअप आया हुआ है, ठीक है। 2-3 जगह सेंटर आया था जिनका एग्ज़ाम रिशेड्यूल किया गया था ना, तो 2-3 जगह सेंटर दिया गया था। एक था क्या नाम इसका, देखिए क्या था, 3 सेंटर आईटेक 52P53 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, टुप्पू दाना इंडस्ट्रियल एरिया नियर प्रिमसंस मोटर रांची दिया गया था। 3 जगह सेंटर दिया गया था, मतलब जो रिशेड्यूल किया गया था। देखिए तो सिवा से जाने, सिवा शायद मेरे हिसाब से कहाँ पे बुट्टी मोड़ के पास है शायद, ठीक है। वहाँ से उधर जाने में टाइम लगता है, तो उस समय डिले पहुँचा और उन लोग का छूट गया। बहुत सारे उन लोग कोशिश किया और कुछ नहीं दिया, लेट पहुँचा था। 2:15 तो क्लोजिंग टाइम था, उन लोग 2:30 बजे पहुँचा, कहाँ से पहुँच दे पाएंगे एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, इन लोग के मतलब कितना बेवकूफ़ी लग काम करता है। इन लोग फिर बोल रहा है मैसेज करके कि यूट्यूब पर डालिए, बात उठाई। भाई बात उठाने से नहीं होता है। वो लड़का लोग बोल रहा है कि नोटिस तो डाल, ईमेल तो आया था एक दो दिन पहले, कौन ईमेल डालता। भैया ईमेल तो डाल दिया, लेकिन आपको नोटिस तो 5-6 दिन पहले निकाल दिया था ना जेएसएससी। आप देखिएगा, नहीं तो जेएसएससी गलती नहीं, जेएसएससी का 0% यहाँ गलती है, ठीक है। गलती सारा आपका है। जेएसएससी आप ऑफिस में जाइएगा मत, फालतू में डांट खिला के भगा देगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई कारण नहीं है वहाँ जाने के लिए, कोई ऑथेंटिक कारण होना चाहिए, वरना दोस्तों वहाँ से भगा दिया जाएगा। क्योंकि गलती सारा आपका है, क्योंकि नोटिस 1 सप्ताह पहले डाल चुका था जेएसएससी। वो ठीक है, एक दो दिन पहले आपको मेल कर दिया, आप क्यों डाउनलोड किए फिर, आपको पता होना चाहिए। 1-2 दिन पहले किया तो उसमें दिक्कत क्या होने वाला था भाई, उसमें भी डाउनलोड हो जाता है एडमिट कार्ड, सेंटर पता चल जाता है। लेकिन आप लोग देखिए नहीं तो क्या, उसमें गलती नहीं, इसलिए कि कहीं बात ही नहीं उठाना इससे, और कहीं जाना भी नहीं जेएसएससी ऑफिस की चेयरमैन सबसे बात करके देखते क्या, नहीं सुनेगा भाई, नहीं सुनेगा। सुनने लाज कारण ही नहीं है, यदि कारण भी रहता तो फिर भी नहीं सुना जाता है। कुछ बहुत बड़ा कारण था कि हाँ ऐसा होता, और कुछ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट था तो शायद जेएसएससी चेयरमैन कुछ करते हैं, लेकिन ये कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। ये 0% है, जाइएगा मत बता दें, वरना खुद ही डांट सुनिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए बोलते दोस्तों, कोई ऑथेंटिक चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ठीक है। अपने आप तेज बनने से नहीं होता है, होते हैं जो कुछ लोग तेज तरह जो अपने आप को बनते हैं ना, उसमें दिक्कत होता है सब चीज़ का, ठीक है दोस्तों। हर वीडियो हम बोलते आ रहे हैं ऐसे ने, जब से नोटिस आया कि रिशेड्यूल किया गया, देखिएगा जाके जितना भी एनालिसिस करवाते थे जेएसएससी जेई का, उसमें बोलते थे पहले कि जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है गलती में आप देखिएगा ना, पहुँच जाएगा सिवा इन्फोटेक और वही हुआ। चलो अच्छी बात है, छूट गया, आप कुछ कर नहीं सकते। अब रोने से क्या होगा भाई, कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा तैयारी था, टेक्निकल का नॉलेज बहुत अच्छा था। अब ये सब बोलने से अब ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सब नॉलेज आप फिर दूसरा एग्जाम में दिखाइएगा। ये एग्जाम अब आपका हाथ से गया और जेएसएससी जेई का जो सपना वो भी गया, क्योंकि अभी जेएसएससी जेई आने वाला भी नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम हो रहा है ना, 3-4 साल 5 साल भूल जाइए, फिर जेएसएससी जेई का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए यदि झारखंड में लेना चाहते हैं फिर से, तो तैयारी फिर से करना रख पड़ेगा, तब तो आपको उम्र निकल जाएगा। उम्र तो वैसे भी निकला जा रहा है, और बच गया समय, तो दूसरा जो तैयारी करेगी वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे लाइफ में अपने जब तक स्टूडेंट है दोस्तों, कोई भी ऑथेंटिक, हम ये नहीं बोले कि मेरे चैनल सब्सक्राइब रखिए, ठीक है। हालांकि झारखंड का स्टूडेंट तो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो अपने आप में गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट न्यूज़ देता है दोस्तों, और जो भी अपडेट आता है सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं, ऑथेंटिक होता है। ये नहीं कि फेक से कुछ भी दे देते ना, बिना जानकारी कुछ नहीं देते हैं। इसलिए यदि हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते तो दूसरे किसी और कर लीजिए जो आपको लगता है ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, लेकिन करके रखिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए कोई भी एग्जाम, ठीक है। क्योंकि कब कौन सा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, शायद इस इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रह जाए आप, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बड़ा नोटिस है दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए। पता चला कि ऐसे कुछ सचिवालय के एग्जाम को तैयारी कर रहे छात्र, और किसी कारण सेंटर को थोड़ा बहुत करके इधर उधर कर दिया जाए और आप लोग अलर्ट नहीं रहिए, तो सबको मेहनत 4 साल का मेहनत तो गया। फिर एग्जाम्पल बता रहे, ऐसा होगा नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों जेएसएससी जे छात्रों के लिए, और सीखने वाले की बात है। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया अब, ठीक है। गलती आपका, पूरा लंबा चौड़ा मैसेज कि ये है, हम जेएसएससी बात करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे नहीं होता भाई। जेएसएससी अपना कैलेंडर दिया था और उसमें भी लिंक उस समय भी आप डाउनलोड कर सकते थे। लिंक उसी दिन, जिस दिन नोटिस दिया था ना उसी दिन आपको लिंक अपलोड हो गया था वहाँ पे, चाहते तो उसी दिन आप डाउनलोड कर सकते थे एडमिट कार्ड। आपको तो 1-2 दिन पहले तो भेज दिया था, ऐसे चलो मान लिया कोई लड़का लिंक नहीं देख रहा होगा तो ईमेल कर दिया ताकि आपको याद आ जाए, लेकिन उसमें भी आप गलती कर बैठे।
तो बता जी एस एस सी क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है, ठीक है। गलती सारा आपका 200% आप लोग का है, ठीक है। चलिए खैर, जो भी आप कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, जो बता रहे थे जो डर था वही हुआ। हम बार बार वीडियो में बोलते आ रहे थे, जाकर देख लीजिए वीडियो, अभी भी वीडियो पड़ा होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं, क्या बताएं, छोड़िए। खैर जो भी दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। और यदि सचिवालय का फॉर्म भरेंगे तो तैयारी कर लीजिए, क्या कर सकते हैं आप, वो ऑप्शन भी नहीं है आपके, या फिर सेंट्रल का कोई एग्जाम का तैयारी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोले, मतलब जिनका तैयारी बहुत सच में तैयारी अच्छा था, उसके लिए बहुत दुखद है देखा जाए तो। क्योंकि तैयारी भाई उतना दिन से करना, दो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, तीसरा में देने के लिए तैयारी करना, और बाद में सेंटर की वजह से इधर हो जाता है, तो इसमें गलती आपका है, सच आयु का गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दुखद है आपके लिए। खैर जो भी है दोस्तों, अब जो हो गया सो हो गया, तैयारी और कुछ कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।